प्यारे साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर अपने एक बकरी पालक भाई के साथ जुड़े हुए हैं और उनसे आज जानकारी लेंगे कि जो बर्बरी बकरी होती है और जो बिट्टल होती है उसमें क्या अंतर है और कौन सी बकरी रखने में ज़्यादा फ़ायदा है, बर्बरी में ज़्यादा फ़ायदा है या ये बिट्टल के अंदर। तो पहले बात कर लेते हैं बर्बरी के ऊपर। भाई साहब आपने दोनों ये ब्रीड रख रखी है, रविंद्र भाई साहब बिट्टल भी रख रखी है और बर्बरी रख रखी है, आप इन दोनों का अपना अंतर अपना एक्सपीरियंस बताइए, कौन सी बकरी आपको सही लगी? जी बर्बरी का खर्चा घट है। अच्छा बर्बरी बकरी है उसका खर्चा कम है, बहुत कम है। ठीक है पाल सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं। अच्छा मान ले स्टॉल फीडिंग पे अपने रख सकते हैं उसको। ठीक है जी बकरी है खर्चा ज्यादा होता है, बाहर तोरा फेरा जरूरी है। ठीक है इसको चराई के लिए ये कंफर्टेबल है बकरी, और जिसको घर पे रख के पालनी है वो ये बर्बरी है जो रख सकते हैं। बर्बरी चराई पे भी रख सकते हैं? रख सकते हैं, बाहर ये लेके नहीं ले आ सकते। अच्छा और ये जो बर्बरी बकरी है वो साल में बच्चे कितने दे देती है? बच्चे ये दो भी दे देती है, तीन तक फोक्स है इनका। अच्छा तीन तक ये बच्चे दे देती है, और जो खर्चा है ये बिट्टल के मुकाबले बर्बरी का कम है। हाँ जी ठीक है जी। ठीक है और बर्बरी में और बिट्टल में और क्या फ़र्क है जो आपने? वो फ़र्क है बच्चे ज़्यादा देती है जी बर्बरी है जो। अच्छा बर्बरी बच्चे ज़्यादा देती है। हाँ जी ठीक है ठीक है। और इसका खान पान के अंदर कुछ चेंजेस है? ना कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है कोई चेंजेस नहीं। और बिट्टल के बारे में थोड़ा बताइए आप, बिट्टल की क्या खास बात है? ये है बिट्टल ब्रीड। अच्छा इसकी पैटर्न हो जी। ठीक है जी ठीक है जी। ते लंबे कान होने चाहिए जी जरूरी। ठीक है पर अख का कोई मैटर नहीं है, आंख का कोई मैटर नहीं है। ठीक है अच्छा रेड और वाइज दोनों में आती है? हाँ जी दोनों में आती है। अच्छा और ये खर्चा इसका बर्बरी के मुकाबले थोड़ा कम है? इससे ज़्यादा ही इसका। अच्छा सॉरी इसका बर्बरी के मुकाबले खर्चा ज़्यादा आता है। ठीक है ठीक है। अगर बर्बरी बकरी पालने में ज़्यादा फ़ायदा है या बिट्टल बकरी पालने में ज़्यादा फायदा है? शौक है अपना अपना। अच्छा कौन बर्बरी बकरी किसको पालनी चाहिए और बिट्टल किसको पालनी चाहिए ये बात बताओ आप। बात तो ये अपने पर ही डिपेंड करता है, खर्चे पे डिपेंड कर, जो खर्चा खुल कर देगा वो बिट्टल को पाल सकता है। ठीक है ठीक है। और आप ये जो बर्बरी बकरियाँ और बिट्टल इसमें से सेल भी कर देते हो क्या? हाँ सेल पर ये भी कर देते हैं। अच्छा किसी भाई को अगर चाहिए होगी तो आप ये ट्रांसपोर्ट करवा दोगे इजीली? करवा देंगे साथियों। ये भाई साहब ट्रांसपोर्ट भी करवा देते हैं बकरियों को, अगर किसी भाई को चाहिए हो ऑल इंडिया आपको ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा देते हैं। और आप एड्रेस बता दीजिए रविंद्र भाई साहब थोड़ा। अपना ये गाँव शाहपिनी सिविल संगरिया जिला हनुमानगढ़। अच्छा और अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए प्लीज़। 8868 77 400। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। 8868 77 400। ठीक है। और साथियों अभी इनका बकरा भी दिखाएंगे जो ब्रीडर बकरा है, और अगर सेल होगा तो भाई साहब से पूछेंगे भी। आप अपना ब्रीडर दिखाइए रविंद्र भाई साहब। दोस्तों ये है भाई साहब का बर्बरी का ब्रीडर। ये अपना बर्बरा ब्रीडर। ठीक है ये बर्बरी का ब्रीडर है, वाइट आई सफ़ेद आंख के अंदर है। ये इसका कितना ये हाइट पे होगा बकरा और वजन कितना हाइट है? हाँ जी 32 इंच इसकी हाइट है। ठीक है जी। और सफ़ेद आँख के अंदर है। ठीक है एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा भाई साहब इसी वीडियो के अंदर, जो ब्रीडर बकरा होता है उसकी खास बात क्या होनी चाहिए, कैसा ब्रीडर चुनना चाहिए बंदे को कि अपने ब्रीडर रख रहे हैं अपने फार्म के अंदर, तो ब्रीडर बकरा होना कैसा चाहिए एक्चुअली में? अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है अच्छी क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी अपने किसको बोलेंगे? जैसे कि जैसे ये रोफ्ट कान है इसके। हाँ जी वाइट आइज में भी ज़्यादा चलता है आजकल। अच्छा वाइट आइज में ज़्यादा चलता है, वाइट जहाँ लाल स्पॉट में ज़्यादा। हाइट वगैरह अच्छी होनी चाहिए, हाइट वगैरह लेंथ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है वजन का भी अच्छा होना चाहिए हैं, और फुल गर्म भी होना चाहिए। एक चीज़ ये भी है क्योंकि अगर बकरा गर्म ही नहीं होगा तो वो ब्रीडर काम का ही नहीं रहेगा। ठीक है भाई साहब। ओके साथियों इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, और किसी भाई साहब को चाहिए हो ये ब्रीडर वैसे सेल के लिए है क्या रविंद्र भाई साहब? नहीं नोट फॉर सेल है अभी, ये सेल के लिए नहीं है। आप पूछ लीजिए, क्या कई बार क्या होता है बंदे का मूड चेंज हो जाता है तो सेल कर देते हैं। और ये बकरियां भी कोई भी इनमें से सेल के लिए होंगे तो भाई साहब आपको ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देंगे, और नंबर आपको स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ।
इनसे आप कॉल कर लीजिएगा, जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ जिस जगह पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट का चार्ज अलग से लगता है? हाँ जी, ट्रांसपोर्ट का अलग से लगता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का जो चार्जिंग है भाई साहब वो अलग से लगेगा। कई बार लोग बोल देते हैं कि ट्रांसपोर्ट 10,000 की बकरी होती है और आप 10,000 में मांगने स्टार्ट कर देते, ट्रांसपोर्ट का अलग से चार्ज लगेगा, ये चीज़ आप पहले ही नोट कर लीजिए। कई बार बंदा बहसबाजी करने लग जाता है। ओके साथियों, धन्यवाद, वीडियो को यहीं एंड करेंगे।